बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के मिशन झारखंड की शुरुआत कर दी है। जेडीयू ने एनडीए से अलग होकर झारखंड में अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। नीतीश कुमार की पार्टी वहां कुल 81 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली है, तो क्या झारखंड के बहाने नीतीश अपने सहयोगी बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी कर रहे हैं, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। चौदह साल पहले 2005 में जब झारखंड में जेडीयू के 6 विधायक हुआ करते थे, तब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार नहीं थी। जब वो बिहार के सीएम बने तो झारखंड में नीतीश मॉडल चलाने की कोशिश की। इसके बाद झारखंड में जितने चुनाव हुए, नीतीश मॉडल उतना ही मिट्टी में मिलता चला गया। आज एक बार फिर नीतीश कुमार अपने मॉडल को चुनावी मुद्दा बनाने रांची पहुंचे और बीजेपी के खिलाफ बिगुल भी फूंक दिया। जाहिर है नीतीश अब झारखंड में बीजेपी की नीतियों का विरोध करेंगे, लेकिन जेडीयू इसे कहीं से भी गलत नहीं मानती और गठबंधन बिहार तक रहने की बात करती है। मैं बीजेपी के खिलाफ की बात है, वो अपना रखेंगे बात, मैं अपनी बात को रखेंगे। जनता का वहाँ डिसीजन जो होगा वो अपनी बात रखेंगे, मैं अपनी बात रखूंगा। मैंने क्या काम किया हूँ बिहार में, क्या मेरी सोच है झारखंड के लिए, जो मैंने लोगों को बताऊंगा और मैं करूंगा, वो अपना कहेंगे। इसमें कहाँ विरोध की बात आती है, विरोध की तो बात आती नहीं है इसमें। ये तो विपक्ष के लोगों ने इस तरह की बात उड़ाएंगे, रूमर उड़ाएंगे कि साहब ये तो वहाँ बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, यहाँ बीजेपी के साथ है। ये सब तो बीजेपी की, ये लोग विपक्ष की बात ये लोग करेंगे, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं अपनी बात कहूंगा, मैं वहाँ का प्रॉब्लम को मैंने रखूंगा कि ये प्रॉब्लम, ये समस्या जो है अभी तक सोल्व नहीं हुआ है। मैं जब सत्ता में आऊंगा तो मैं ये सब प्रॉब्लम। सर, मोदी जी का विरोध करेंगे क्या प्रचार में? नहीं, मोदी जी का विरोध मैं क्यों करूंगा, मैं मोदी जी के साथ में हूँ। और मोदी जी के साथ यही नहीं मैं हूँ, मैं पूरे देश में या स्टेट में मैं साथ हूँ। नीतीश कुमार झारखंड में अकेले चुनाव लड़ेंगे और सभी 81 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुके हैं। फिर भी बिहार बीजेपी नीतीश की पार्टी के चुनाव लड़ने से बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने की बात तो हो रही है, लेकिन लगे हाथ नीतीश को नसीहत भी दी जा रही है। राजनीति का ये मतलब कैसा पार्ट है? नहीं, यही पार्ट है, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर ही हमारा बिहार से अलायंस है। तो हम बिहार की ही बात करते हैं, पूरे देश में उनके साथ मेरे साथ तो अलायंस है नहीं, तो झारखंड में क्यों चुनाव नहीं लड़ेंगे? झारखंड में चुनाव लड़ना भी चाहिए, अपनी बातों को रखना भी चाहिए। वो अपने जनाधार की बात करते हैं, हम अपने जनाधार की बात करते हैं, इसलिए कहीं कोई क्राइसिस नहीं। हम एक ही जगह यहाँ दोस्ती की है, तो पूरे देश में दोस्ती हम कैसे चाहेंगे, अपेक्षा करेंगे? हम तो यही करिए ना अपेक्षा करेंगे, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनको पार्टी को अपने जनाधार को, इससे पहले भी चुनाव लड़े, गुजरात में चुनाव लड़े थे, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे, कई प्रदेशों में, हरियाणा में, दिल्ली में चुनाव लड़े थे, तो उनको चुनाव लड़ने की छूट है, चुनाव लड़ने का अधिकार भी है लोकतंत्र में। लोकतांत्रिक पार्टियों को हर जगह चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन बिहार में, पूरे देश में तो है नहीं, कोई पहली बार तो नहीं हुआ हो रहा है। पहले भी दिल्ली में, गुजरात में जदयू वाले चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन हमारे गठबंधन के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। हम परस्पर भरोसे विश्वास के साथ बिहार में और केंद्र में सरकार चला रहे हैं, और डबल इंजन की सरकार बिहार के विकास को गति दे रही है, देश के विकास को गति दे रही है, हम इस गति को और युद्ध नहीं होने देंगे। झारखंड में बीजेपी सत्ता में है और फिलहाल जेडीयू को साथ लेकर चुनाव लड़ने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं दिखती। शायद यही वजह है कि नीतीश झारखंड में एकला चलो रे की नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार में विपक्ष नीतीश को स्वार्थी की संज्ञा देता है और झारखंड में औंधे मुंह गिरने की बात भी करता है। एनडीए में बहुत बड़ा टूट है और फूट है, जिसका कि उदाहरण आपको झारखंड में देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से दरकिनार नीतीश कुमार जी को किया जा रहा है, मीठा जहर के साथ उनको इंजेक्शन दिया जा रहा है, चाहे वह मंत्रिमंडल में शामिल न करना, चाहे जो भी विकास के वादे करने के बाद भी इनको जो है कुछ नहीं देने का काम करते हैं, इसलिए इनके साथ मीठा जहर देकर इनको जो है दरकिनार किया जा रहा है। ये इनको कब समझ में आएगा हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार जो है गर्त में चला गया, बिहार को बर्बाद कर दिए हैं ये एनडीए में जाकर, बिहार के सम्मान के साथ खिलवाड़ किए हैं,
जिसका की ढूंढती इनको भुगतना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, हम समझते हैं कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में बड़ी दूरी है। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार झारखंड में विकास विहीन है, विकास नहीं किया है। जबकि झारखंड में इससे पहले जब एनडीए की सरकार थी 17-18 साल का देखेंगे 19 साल में, तो ज़्यादातर एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार भी उसमें शामिल रहे हैं। बावजूद वो आरोप लगा रहे हैं कि रघुवर सरकार ने विकास नहीं किया है, तो वो रघुवर सरकार को नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी पे तंज कर रहा है और सीधा आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां वहां विकास नहीं, विकास पुरुष में। झारखंड में जेडीयू के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले ने बिहार बीजेपी के उन नेताओं की परेशानी जरूर बढ़ा दी है जो फिलहाल सरकार के अंदर बैठे हैं। इन नेताओं को ऐसा लगता है कि झारखंड चुनाव प्रचार के दौरान अगर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आए तो उसका असर बिहार तक देर सवेर ही सही लेकिन पहुंचेगा जरूर। बिहार में भाजपा और जदयू के दोस्ती के किस्से मशहूर हैं, शायद यही वजह है कि 17 साल से ये दोस्ती लगातार बरकरार है। बीच में एक ब्रेक आया था लेकिन उस ब्रेक की दूरी को भी फिर से दोनों पार्टी के द्वारा पाट लिया गया है। लेकिन एक बार फिर जदयू भाजपा के खिलाफ झारखंड में चुनाव लड़ रही है, लिहाजा भाजपा कह रही है कि मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। पटना से राजीव, R9 TV।